अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रियासत कर्नाटक के एक मशहूर तरीन गांव सऊदी जा रहे हैं। एक आलीशान बारगाह की ज़ियारत कराएंगे जिनका नाम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह मशहूर है। आप तमाम दोस्त इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल उमरा फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम मुबारक इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर व मारूफ हैं। आपका रोज़े मुबारक हिपरगी डैम के बिल्कुल करीब मौजूद है। आपकी ज़ात मुबारक लायक़े काबिले तारीफ़ है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त देखा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के अतराफ में नूर का एक ऐसा दायरा दिखाई देता जैसे चांद का टुकड़ा हो। दुरूद व सलाम हो नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की शान में चंद अशार अर्ज़ हैं। सितारों की चमक में है ज़ियाए जाफर सादिक, हुई है खल्क ये दुनिया बराए जाफर सादिक। हैं बानी आप मकतब के इसी एक बात की खातिर, नहीं कोई मेरा मुर्शिद सिवाए जाफर सादिक। फरिश्तों से लहद में फ़ख्रिया कह दूंगा बिस्मिल्लाह, मैं अपने साथ लाया हूँ विलाए जाफर सादिक। सखावत में के सूरत में, तहारत हो के सीरत में, हाँ मिलती है मोहम्मद से अदाए जाफर सादिक। और सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर चीज़ की एक बुनियाद है और इस्लाम की बुनियाद हम अहले बैत की मोहब्बत में है। इसके बग़ैर ईमान नाक़िस होता है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।